way. आज का सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का ये एपिसोड एक सीरियल किलर रेडिस आर्मी ऑफिसर के बारे में है। इस सीरियल किलर आर्मी ऑफिसर ने तकरीबन 40 साल तक एक कंट्री के मुहाफिज के तौर पर जिंदगी गुजारी थी, मगर इन 40 सालों में इनने कोई खास तब्दीली नहीं ला सके सवाई इसके कि इस हैवान की हैवानियत को रोके रखे, जिससे इसके अंदर पलते इन शैतानी ख्याल को और भी मजबूती मिल गयी। अपने कंट्री की खिदमत की आड़ में ये सीरियल किलर हर मुमकिन इस कोशिश में रहता था बस किसी तरह अपनी हवस की प्यास को बुझाने में कामयाब हो जाए, और कई बार ये शख्स कामयाब हो जाता था और माशरे में इज्जतदार शहरी के लिबादे को ओढ़कर इस भीड़ का आसानी से हिस्सा बन जाता था, जिसमें मौजूद हर शख्स सिर्फ यही सोचकर चलता है कि आज मैंने क्या करना। जाहिरी तौर पर एक साथ दिखने वाली भीड़ में असल में कोई किसी के साथ नहीं होता, हर शख्स अपनी अपनी मंजिल की तलाश में दिन भर इसी हिजूम का हिस्सा रहता है और इसी कोशिश में रहता है कि शाम से पहले इसे इसकी हिस्से की मेहनत का फल मिलेगा और वो अपने घर खुशी खुशी लौट जाएगा। इंसान की फितरत के इसी कमजोरी से कुछ शातिर और शैतानी दिमाग बड़ी आसानी से फायदा उठाते हैं। वो इस हिजूम से ही अपने शिकार को चुनते हैं और आखिरी दम तक इनका पीछा करते हैं, और खास कर शिकारी एक आर्मी ऑफिसर हो तो इनको तो हमेशा से यही सिखाया जाता है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारना और अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज करना। मगर ये हैवान नुमा सीरियल किलर रेपिस्ट आर्मी ऑफिसर अपने इस ट्रेनिंग को एक ऐसे काम में इस्तेमाल ला रहा था जो कोई हैवान भी न कर सके। वो अपने शिकार को शहर की इन मसरूफ तरीन जगहों से चुनता और इनका आखिरी हाथा पीछा करता, इनके साथ किसी न किसी बहाने बात करता और इन्हें बातों बातों में अपने ठिकाने तक ले जाता और फिर इनके साथ बलात्कार करता और इनके हाथ पैर बांध कर जिंदा ही दरिया में फेंक देता, या फिर इन लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए काबू करता और जब जहां चाहे इनको बुला लेता और इनको बार बार रिसवा करता। इस सीरियल किलर रेपिस्ट आर्मी ऑफिसर का नाम है एंटोनियो लुइस। वो 1953 में एक देहात में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर लिया। इन्होंने 45 साल तक आर्मी में काम किया और आखिरकार अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद ही 2004 में इनका पहला जुर्म दुनिया के सामने आया। 2005 की इब्तिदा में एक खूबसूरत लड़की की लाश मिली। इसी साल के आखिर में एक कम उम्र लड़की इसी एरिया से लापता हुई, जिसके शुबे में पुलिस ने इस सीरियल किलर रेपिस्ट आर्मी ऑफिसर को हिरासत में ले लिया और इंट्रोगेशन के दौरान जाहिरी तौर पर एक आम समझदार इंसान दिखने वाले इस ऑफिसर की जुर्मों की दास्तान सामने आई। इन जराइम की कहानी सुनने के बाद इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया तो इन्होंने इसे दिमागी एतबार से नॉर्मल करार दे दिया, जिसके बाद ये सीरियल किलर अपना बयान हर दफा तब्दील करने लगा, मगर अदालत ने इन्हें 7 साल 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।